نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ویکھن والےاں نوں سنن والےاں نوں میری طرف السلام علیکم جی میں جناب تہاڈا دوست رانا بشارت حیدری ٹریکٹرز دے نام دا یوٹیوب چینل ہے جی اج جناب تہاڈے واسطے ویڈیو لے کے آئے ہیں جی اج جناب تہانوں اسی ٹریکٹر دے اگلے پچھلے ٹائراں دی پیمائش کرن دا طریقہ دساں گے جی कि ट्रैक्टर के उत्ते जिहड़े नंबर लिखे होंगे ने उन्हों का की मतलब है वह की पैमाइश होंगी है सारी इंशाल्लाह जी तफसीली उन्हां जिम्मेदार भाइयों वास्ते मैं वीडियो बना रहा जिन्हां लोगों नूं टायरां दे साइज का नहीं अंदाजा होंदा कि टायर जिहड़े पए ने ट्रैक्टर नूं किहड़े साइज दे उन्हां नूं दसण लगे जी ये साइज की हुंदा है और इहनूं चैक करन दा की तरीका है ਆਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਉਰਸਸ ਖੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਇਹਦੀ 28-12 ਉਰਸਸ 95 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੈਮਰਾ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨਾ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਭਾਜੀ 12-4-28 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ 12-4-28 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਨਾਪੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 6-16 ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 12-4-28 असल मकसद है तुम दसन का 12 की है 28 की है किस वजह तो लिखा हों उस तो बाद टायर का किमें पता लैना है किन्ने पलाई का12-4 ठीक है जी ये होंगी 12-4 उस तो बाद नाम जरा अगे लिखे होंगे 28 का मतलब होंगे कि जरा रेमे का इनर साइज तो मुराद दे वे इन बाहर रख के पैमाइश नहीं करनी बाहर रखा के त्री आने टायर इतों तक होंगे इनर साइज का इतों लग के इतों तक पैमाइश करा तो आएगा 28 12-4-28 का मतलब है 12.4 की विड़ से 28 जी इनर ये टायर है जी सर्विस का उस तो बाद अगले टायर जी ने अमूमन इन्हों का जो साइज 40 का 6-16 ही होंगे ये जी विड़ से वो 6 आएगी लिया है 6 अगे जो 16 लिखा यदा इनर साइज मिला जी 16 ठीक है जी अंदर की उमर उस तो बाद भाजी टायर बाद जमींदार पूछते नहीं जी किन्ने पलाई है टायर के उत्ते हमेशा लिखा होंगे 8 PR है PR का मतलब होंगे पलाई ने यानी 8 PR का टायर इन्हें 12 होगा 12 PR हो लो जनाब वो तो हो गया जी 40 नूं टायर चढ़िया जिहड़ा 12-4-28 का इहदे विच हुण तुहानूं इक ममोना टायर 60 नूं चढ़िया जी वो टाइगर कंपनी उहदे टायर ने इहनां दा हुण वेखो जी लिखिया 14-9
अगे डैश 13-28 हूँ 14-9 का भी सू पता लग गया 28 का भी पता लग गया जी 14.9 जी टायर की चौड़ाई है इस साइड तो टायर की चौड़ाई हो गई 28 जरा रिम का साइज जरा अगे थानू मिन के दसिया हूँ मेन चीज है जी 13 की है 13 भाजी असल चीज़ होंगी है जोड़ा रिम है यदि अंदर की चौड़ाई इस पॉइंट तो लैके दूसरे किनारे तक तुसी पमायश करोगे इंची टेप के नाल तो यदि पमायश आएगी जी 13 इंच इस वास्ते लिखिया जी 14.9 यदि चौड़ाई है टायर की 13 जी रिम की चौड़ाई है तो 28 जी रिम की टोटल लेंथ ठीक है जी हर टायर की पमायश करन दा साइज वेखन दा यही तरीका हुंदा उस तो बाद किसी भी टायर का वेखना हो अगे जिमें मैं दसिया कि किन्ने पलाई का टायर हर टायर के उत्ते लिखे होंगे जिमें ये लिखिया जी 14 PR 14 PR मतलब 14 पलाई का टायर है जी PR हों पलाई रेटिंग 14 पलाई का टायर है जी ये ठीक है जी यदि अगली साइड के टायर जोड़े चढ़े ने फ्रंट के जी 7.5-16 पैंथर के टायर ने 7.5 यह 7.5 का मतलब हों कि 7.5 इंच जो टायर जोड़ा वो इतों चौड़ा है तो जोड़ा 16 है इतों लग के तो इतों तक जनाब यदि जी पमायश है रिम की यह 16 है हर ट्रैक्टर के टायर का हर किस्म के टायर का मापन का यही तरीका हों सिर्फ यह तुम्हें फर्क इसलिए दसिया कि ये जो 13 लिखिया का मतलब है कि रिम का साइज लिखा हों इनर साइज रिम का एक किनारे तो दूसरे किनारे तक टायर के अंदर तो तुसी फीता मारो तो तुहानू पता लग जाएगा जो भी ये उत्ते उहदी पमायश होगी चाहे वह ट्रैक्टर 75 का टायर है 85 का टायर है साइजां च फर्क है क्योंकि 60 का है उस तो बाद 75 वाले 16 च आ जाते हैं 85 नू 18 वाले आ जाते हैं तो लो मेरा भाई अज यही गल दसनी तो टायर की पमायश के बारे काफ़ी बंद मैंने मैसेज किए तो इस बारे डिस्कस होने दई सी मैं क्यों ना वीडियो भी बना दईए जेडे भाई चैनल ते ने नवे ने उन्होंने रिक्वेस्ट है कि जरा वीडियो नू मुकम्मल वेख्या जे तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करे जी।